गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी इवनिंग का संध्या पूजा मेरा हो गया है। अब मैं यहाँ चाय रख दिया, चाय बना रही हूँ। दीप आई है हॉस्टल से, अब हम दोनों चाय पियेंगे। अब मैं यहाँ बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी, उसके लिए सो प्रिपरेशन करके रखा है। आटा भी गूंद के रख दिया है। आज हम शाम को बनाने वाले हैं पूरी और आलू की सब्जी। हमारे यहाँ साइक्लोन आया है, 2-3 दिन हो गया, बहुत तकलीफ हो रहा है लाइट का। हमारे पास इन्वर्टर है तो उसमें थोड़ा बहुत हम चल लिए। अभी लाइट आया तो थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, इसलिए मैं ये सब प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी चाय ले लेते हैं। ये घर में पूजा हुआ था, ये जो मिट्टी का बाउल आया था पूजा में, इसको मैंने धो के रखा था, तो इसमें मैं चाय पीऊँगी। मुझे बहुत पसंद आता है मिट्टी के बाउल में चाय पीना। जब भी मुझे मिल जाता है कभी पूजा पाठ में, घर में आ गया तो मैं उसको चाय पीने में यूज़ करती हूँ। अभी इसे थोड़ा दीप को चाय दे देती हूँ। ऐसे बच्चों का आदत नहीं है चाय पीना, जो बहुत क्लाइमेट बहुत ख़राब है साइक्लोन की वजह से, तो उसको भी थोड़ा सा पीने को इच्छा हुआ तो दे दी। अब मैं इस मिट्टी की बाउल में चाय पीऊँगी। दिन भर वो साइक्लोन का जो न्यूज है उसी में मेरा दिन कट जाता है। इंसानों के लिए तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे शेल्टर बनाया है और उसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं होती, मगर जो बेजुबान जानवर है उन लोगों के लिए मुझे बहुत तकलीफ होती है। यहाँ तेल डाल दिया, उसमें सब खड़े मसाले, गरम मसाले, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटे इलायची और काली मिर्च, ये सब डाल दिए हैं और जावित्री भी डाले हैं, चक्रफूल भी डाले हैं, सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं क्योंकि कार्तिक महीना है, बिना प्याज उसमें बनेगा। और इसमें हमने टमाटर, अदरक, जीरा, 2 लाल मिर्च, 1-2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी, इतना हमें उसको साथ पूरा पीस लिए। यहाँ रखे नमक, हल्दी और 1 चम्मच चीनी, टमाटर का खट्टास में बैलेंस रखने के लिए। जब मसाला मेरा पक गया तो मैं डाल दिया ये सब, नमक, मिर्च, नहीं नमक, हल्दी और चीनी। मिर्च पाउडर नहीं डाला क्योंकि ग्रीन चिल्ली भी डाले थे और 2 मिर्ची में लाल मिर्च पीस लिया था टमाटर में, तो इसीलिए ऊपर से लाल मिर्च नहीं डाले। आलू यहाँ कट करके रख दिए थे बॉयल करके, पानी भी गर्म कर दिए, इसमें गर्म पानी डालेंगे। मसाला हो गया था, उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था, उसको धीमे आंच पर चलाते हुए जो थोड़ा अच्छा रहता है इसे। अब आलू डाल के मिला लेंगे और आवश्यकता अनुसार पानी डाल के कर लेंगे। 1-1.5 दिन के बाद हमारा अभी अभी लाइट आया था। हम इधर शहर में रहते हैं और हमारे इधर ज़्यादा तकलीफ नहीं है, मगर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जो गांव में या पूरा उड़ीसा में बहुत डिस्ट्रिक्ट कवर करके गया है साइक्लोन, कल तक तो था और साइक्लोन के बाद भी 2-3 दिन तक भी बहुत काफ़ी तकलीफ रहता है क्लाइमेट का। और मैं जो बेजुबान जानवर के लिए बहुत दुख होता है, मैं वो वीडियो सब ज़्यादा देख नहीं पाती, बहुत दुखी हो जाती हूँ। और आप न्यूज़ देखते रहोगे ना अपडेट लेने के लिए, आपके पास सारी न्यूज़ आ ही जाएगा। सारे न्यूज़ में उसको स्किप कर जाती हूँ, फिर भी मेरे मन में छप रह जाता है। यहाँ आलू की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है और पूरियाँ बना लेती हूँ।
साइक्लोन के पहले सब सब्जी वगैरह ला के रख दिए थे, पानी वगैरह भी भर लिए थे बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ बड़े बड़े साइक्लोन जब भी हुआ, कल मैं न्यूज़ देख रही थी, सब यही अक्टूबर महीने में ही बड़े बड़े जो पूरा दुख दे के तकलीफ़ दे के जाने वाला साइक्लोन था। जब फर्स्ट 99 में महावात्या हुआ था तब मैं पुणे सिटी में रहती थी, मैं यहाँ उड़ीसा में तब नहीं थी। चलिए हमारा पूरी बन के रेडी हो गया है। अभी प्लेट लगा लेते हैं। पूरी आलू की सब्जी, आज रात का हमारा यही है, शाम से बना रही है, बना तो ली, बच्चे बोले थोड़ा लेट में खाएंगे 8 साढ़े 8 बजे। यहीं पर खाएंगे। ये भी साइक्लोन की वजह से वो आ गई है घर, ये देखिए, और एक आ रहा है ऊपर से, उसको हम फोन करके बुलाए तब तो वो आ रहा। चलिए मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में।